हेलो दोस्तों, मम्मी सरिता किचन के तरफ से आप सब लोग को स्वागत है। और आज देश का 75वां साल है और मेरे तरफ से पूरे भारतवासी को सलाम। और जितने BSF भाई बहन मेरे बॉर्डर पर हैं उन सबको मेरे तरफ से सलाम, और जितने शहीद मेरे भाई बहन हैं वो सबको भी मेरे तरफ से सलाम। और पूरे देशवासियों से यही मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे असल हीरो को आप लोग मत भूलिए, क्योंकि BSF भाई बहन के वजह से हम सारे भारत वर्ष के लोग सुरक्षित हैं। मेरे असल हीरो वही है, उनको हमेशा याद करके रखिए। मुझे कभी मौका मिला तो मैं अपने BSF भाई बहनों के लिए कुछ भी बनाकर खिलाना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत इच्छा है कि मैं अपने हाथों से जो मेरे रक्षक हैं उनको मैं बनाकर खिलाऊं। और देखिए आज क्या बनाने में जा रही हूँ। एक गरीब का घर में और क्या हो सकता है। ये पटल आलू पटल मस्का मैं बनाऊंगी, और ये सब्जी मेरे देश का नाम रहेगा, ये सब्जी मेरे देश का नाम रहेगा। जय हिंद जय भारत। क्या क्या मसाला डालेंगे इसमें, देखिए जीरा है, धनिया है, और ये लहसुन है, ये गोलमरीच है, ये अदरक है, और ये सूखा मिर्च है। ये सब डाल के हम पहले पीसेंगे, इसको पीस कर दिखाते हैं आप लोग को ये पटल मस्का कैसे बनाती हूँ। पहले इस पटल को इस लोढ़ा से मस्काएंगे, इसीलिए इसको मस्का पटल बोला जाता है। पटल का सब्जी तो आप लोग बहुत खाए होंगे, YouTube पर बहुत देखे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं देखे हैं। देखिए आज मैं कैसे मस्काती हूँ पटल को, ये देखिए। अरे एक एक करके सबको मस्काएंगे। और मैं गैस को जलाएंगे, अब जलाकर कढ़ाई बैठाएंगे इसमें गैस का ऊपर। देखिए अब इसे हम तेल डालेंगे पटल को फ्राई करने के लिए। तेल गरम होने देते हैं, फिर पटल को डालेंगे। देखिए दोस्तों मेरा तेल अब गरम हो चुका है, अब इसमें पटल को डालेंगे। देखिए और इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। देखिए और थोड़ा सा हल्दी, और इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए कि मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी।
देखिए दोस्तों, मेरा पटल लाल हो चुका है। अब इसको निकाल ले रहे हैं एक एक करके। अब इसी तेल में हम ये आलू को डालेंगे फ्राई होने के लिए। ये आलू में थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी तेल में हल्दी है, इसलिए थोड़ा सा हल्का नमक डालेंगे। में और तेल डालेंगे। देखिए तेल गरम होने देते हैं और इसमें डालेंगे गरम मसाला के फोरन और तेजपत्ता का। थोड़ा और तेल गरम हो जा रहा है तो ये देखिए मेरा तेल गरम हो चुका है। इसमें गरम मसाला डाल दिए, इसमें तेजपत्ता डाल दिए। देखिए प्याज डालेंगे इसमें। इसको प्याज लाल होने देते हैं जब तक। अरे देखिए मेरा मसाला भी तैयारी हो चुका है, ये देखिए। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल ले रहे हैं मसाला में। देखिए मेरा मसाला तैयारी हो चुका है। और हाँ दोस्तों, अब जो सब्जी हम बना रहे हैं वो सूखा भी रख सकते हैं, इसमें ग्रेवी भी रख सकते हैं। आप डिसाइड कीजिएगा कि आप क्या चीज़ के संग खाना चाहते हैं, रोटी के, पराठा के, पूरी के या चावल से। अगर रोटी पराठा पूरी से खाना चाहते हैं तो सूखा बनाइएगा, और चावल से खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ग्रेवी रख लीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है सब्जी और बहुत ही सुंदर लगता है खाने में। इसको एक बार ट्राई कीजिए, अपने घर में बनाइए, बनाकर खाकर देखिए। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है और बहुत अच्छा सब्जी बनता है। और देखिए मेरा प्याज लाल हो रहा है। देखिए दोस्तों, मेरा प्याज लाल हो चुका है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। ये देखिए जो मसाला पीस कर रखे थे, देखिए क्योंकि मसाला इसमें लगा हुआ है, इसलिए इसको भूनेंगे। मसाला लाल होने तक भूनेंगे बढ़िया से, जब तक ये पक ना जाए अच्छे से। जब ये पक जाएगा तब ये आलू और पटल को इसमें डालेंगे। जब तक हम आलू को, देखिए दोस्तों आलू को भी मसका ले रहे हैं, जैसे पटल मसकाए हैं वैसे आलू को हाथ से मसकाएंगे। ये देखिए आलू का ऐसे करके मसकाएंगे। ये देखिए पटल तो मेरा मसक चुका है, अब आलू मसकाते हैं। ये देखिए एक एक करके सारे आलू को मसका लेंगे हम। ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं आलू और पटल मसका। देखिए दोस्तों ये मसाला मेरा भुना आ रहा है। देखिए अब आस्ते आस्ते इसमें से तेल छोड़ने लगा है, इसका मतलब मेरा मसाला कुछ हद तक भुना गया है। थोड़ा सा और भुनाएगा
ये देखिए तेल छोड़ने लगा है ये मसाला मेरा। अब इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि हम नमक कम ही डालेंगे। आलू में भी नमक डाल चुके हैं, पटल में भी डाले हैं, तब हम नमक कम ही डालेंगे। ये देखिए मेरा मसाला भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, में हम डालेंगे पानी। देखिए कितना अच्छा सही है, मसाला मेरा पूरा भून चुका है। इसमें हम डाल रहे हैं अब पानी, ये देखिए। ये देखिए इसमें हम पानी डाल चुके हैं। आलू अभी नहीं डालेंगे, पहले पटल को इसमें डालेंगे। एक एक कर को पटल को इसमें डालेंगे, डालकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, लास्ट में आलू डालेंगे, क्योंकि आलू टूटेगा नहीं, नहीं तो ऐसे आलू टूट जाएगा। ये देखिए तो पटल डाल दिए, अब इसको ढक देंगे। देखिए इसको हम ढक देंगे, जब तक वो होगा। देखिए दोस्तों, देख रहे हैं कितना हद तक मेरा पटल हुआ है। और देखिए अब इसमें हम डालेंगे आलू, ये देखिए इसमें हम आलू डालेंगे। देखिए एक एक करके, देखिए इसमें हम आलू डालेंगे। और देखिए इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला है। कितने लोग कलर के लिए डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें हम कुछ भी नहीं डाले हैं। और इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल के ढक देंगे, बस एक मिनट के लिए सिर्फ, क्योंकि मेरा सब्ज़ी ऐसे ऑलरेडी अब ये हो चुका है। ये देखिए इसको अब हम ढक दे रहे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये देखिए ये थोड़ा सा हम ग्रेवी हल्का रखे हैं। ये देखिए एक निकाल के दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए अब ये चावल से भी खा सकते हैं, और रोटी पूरी पराठा जिससे भी आपको इच्छा है उससे आप लोग खा सकते हैं। देखिए एक भी मेरा आलू नहीं टूटा है। देखिए देखिए दोस्तों, आलू भी नहीं टूटा, पटल भी वैसे देखने में कितना अच्छा भी लग रहा है। ये देखिए हमारे पूरे परिवार के तरफ से पूरे भारतवासियों को सलाम है, जय हिंद जय भारत। देखिए दोस्तों, मेरा सब्जी तो बन चुका है, आप लोग को दिखा दिए। और ये घर का मसाला से ही बना है, इसमें कोई बाहर से और कोई अलग दूसरा मसाला नहीं रखाया है। और आप लोग पूरा मेरा वीडियो देखिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।